हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे, चैप्टर नंबर हमारा था 10, चैप्टर नंबर था 10 जी, और इसके बाद जो चैप्टर का नाम था ये था अल्काइल हैलाइड्स। कौन सा चैप्टर था? हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर अल्काइल हैलाइड्स का, और अल्काइल हैलाइड्स करने के लिए हमने इसके चंद एक रिएक्शंस पहले कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं इसके सम अदर रिएक्शन, जिसका जो सेकेंड टाइप रिएक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शंस। कौन सा रिएक्शन आ गया है? ये रिएक्शन कहलाएगा एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये कौन सा रिएक्शन है? ये रिएक्शन कहलाएंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब एलिमिनेशन रिएक्शंस बिल्कुल पैरेलल चलेंगे उस चीज के जो आपने किया था, यहाँ पे होंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, ये आपने ना आज आपने जो करना है इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। आप करने जा रहे हो आज आपने जो करना, इधर ही लिख लेते हैं। ये आपने करना है एलिमिनेशन रिएक्शंस। और इन रिएक्शंस करने से पहले हम देख लेते हैं, आपने ये कहा था कि हमारे पास होते हैं एस एन रिएक्शंस के बारे में आपने पहले डिटेल के साथ किया। यहाँ पे आपने ये कहा था कि से ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ये आ जाएगा CH3, आगे आ जाएगा CH2, और इसके बाद यहाँ पे एक्स है, एक्स यहाँ पे कोई भी लिविंग ग्रुप है। अब जब इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ओपन करने के बाद लिख देता हूँ कार्बन, इसका हाइड्रोजन फर्स्ट आ जाएगा, ये सेकंड आ जाएगा, ये इसका थर्ड आ जाएगा, आगे फिर कार्बन, ये इसके दोनों हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके बाद ये यहाँ इसका एक्स आ गया, एक्स यहाँ पे क्या है, इसका लिविंग ग्रुप है, एक्स यहाँ पे क्या है, इसका लिविंग ग्रुप है। तो होगा क्या कि अगर आप यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को लेके आते हो, क्या काम करते हो आप यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लेके आते हो, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीशी यहाँ पे हो सकती है। न्यूक्लियोफाइल ने क्या काम करना है, इस कार्बन के ऊपर अटैक करना था और उसके बाद इसको यहाँ से निकाल देना था। ये काम किया ना न्यूक्लियोफाइल ने, क्या काम किया है कि इसने अटैक करना है एट अल्फा कार्बन, कौन सी कार्बन है, अल्फा कार्बन है, और उसके बाद एक्स को इसने यहाँ से रिमूव करवा देना है। जब ये एक्स को यहाँ से रिमूव करवाएगा तो आगे जो प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकता था वो ये वाला था CH3, इसके साथ आ जाएगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल और एक्स के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये आपने किया था, ये होते हैं एस एन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कौन से रिएक्शंस आ जाएंगे? ये रिएक्शंस होंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आज आप करने जा रहे हो एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एलिमिनेशन रिएक्शन को ना आप ये भी कह सकते हो बीटा एलिमिनेशन। ये क्या कहलाएगा? बीटा एलिमिनेशन कहलाएगा। आप इन रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शन बिल्कुल साथ साथ चलते हैं किस चीज के, एस एन रिएक्शंस के। अब होता यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है इन रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रोफाइल, क्या होगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल जो होगा, या अटैकिंग रिएजेंट आप कह लोगे, जो क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट होगा, क्या होगा, जो अटैकिंग रिएजेंट होगा। इस तरह के आप इसको देखोगे, ये वाला है न्यूक्लियोफाइल, इसने क्या काम किया है, अटैक किया है, अटैकिंग एजेंट ने अटैक किया है एट अल्फा कार्बन, लेकिन यहाँ पे अल्फा कार्बन के ऊपर वो अटैक नहीं करेगा। अब होगा क्या, अटैकिंग एजेंट अटैक एट बीटा हाइड्रोजन, क्या होगा,
कि जो अटैकिंग ग्रुप है वो अटैक करेगा एट बीटा हाइड्रोजन, और उसके बाद क्या काम करेगा एट आफ्टर दिस अटैक अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट इनटू अल्कीन। कन्वर्ट इनटू अल्कीन यहां पे क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसने अटैक करना है एट बीटा हाइड्रोजन। कहां पे अटैक करना है एट बीटा हाइड्रोजन, और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देगा अल्कीन में। तो इसको चूंकि यहाँ पे अटैक होता है बीटा हाइड्रोजन, तो आप इसको नाम दे दोगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये क्या कहलाएगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस टू तरह के होते हैं, ई रिएक्शंस इसको आप ये भी कह सकते हो ई रिएक्शन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, ये दो तरह के हो सकते हैं। पहले आप नाम दे दोगे ये होगा ई वन रिएक्शन, और उसके बाद दूसरा जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा ई टू रिएक्शन। कौन कौन से आ जाएंगे, फर्स्ट रिएक्शन को आप नाम दे चुके हो जी ई वन का, और जो सेकंड रिएक्शन है इसको हम नाम दे देंगे ई टू रिएक्शन का। अब पहले हम बात कर लेते हैं ई वन की। तो ई वन में क्या होता है, ई वन में ये जस्ट लाइक एस एन वन ये यहाँ पे होते हैं जी डबल स्टेप। ये क्या होते हैं, ये वाले रिएक्शंस होते हैं डबल स्टेप मैकेनिज्म शो करते हैं। और इसके बाद जब आप इसकी बात करेंगे E2 की, तो E2 जो होते हैं ये होते हैं सिंगल स्टेप। कौन से होते हैं, ये शो करते हैं सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। ये क्या शो करते हैं, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म शो करते हैं। अब पहले हम देख लेते हैं E2। E2 में क्या होता है जी, पहले आप बात करने लगे हो E2 की। अब E2 में हमने कहा कि जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और सिंगल स्टेप हमने SN2 की जब बात की थी तो हमने SN2 में ये कहा था कि वहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पे भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व होगा। तो मैं इसी एग्जांपल देता हूँ, आप ये बात कर लोगे E2 के केस में कि ये मेरे पास एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, आगे कार्बन, ये इसका हाइड्रोजन, ये इसका हाइड्रोजन, और उसके बाद ये यहाँ पे X है, ये यहाँ पे क्या है X है। अब जो न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा यहाँ पे रिएजेंट है, जो न्यूक्लियोफाइल है जिसको मैंने डेफिनेशन में अटैकिंग रिएजेंट लिखा हुआ है। अब न्यूक्लियोफाइल ने कहाँ पे अटैक करना है एट बीटा हाइड्रोजन। तो अब पहले आप देखें जरा ये फंक्शन ग्रुप के साथ जो कार्बन वो कौन सी कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा के साथ कौन सी कार्बन आ जाएगी, बीटा कार्बन आ जाएगी। तो जब ये बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो अटैच होंगे वो क्या कहलाएंगे, बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे। इस तरह ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा कार्बन के साथ जो एच बीटा हाइड्रोजन है, तो इसने क्या काम करना है, अटैक कर जाना है एट बीटा हाइड्रोजन। अब ये बीटा हाइड्रोजन तीनों के तीनों इक्वल पोजिशन के ऊपर है, इक्वल तरह के हैं, तो क्या होगा जी कि ये जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक कर जाएगा एट दिस हाइड्रोजन, और उसके बाद इस बॉन्ड को इधर अंदर शिफ्ट कर देगा। सही है की बात, ये यूं ही पड़ा हुआ है, आप मेरे हाथ में गौर से देखें, आप ये कर देंगे कि ये तीन हाइड्रोजन है, ये कार्बन है जी, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा और ये इसका तीसरा है। अब जब हाइड्रो न्यूक्लियोफाइल ने आना है इनमें से किसी एक के ऊपर अटैक करेगा, तीनों इक्विवेलेंट है, इसके अटैक पर कर दे, इसके ऊपर कर दे या इसके ऊपर कर दे, तो इसके ऊपर जब अटैक करेगा तो ये अगर इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो जाएगा, अगर इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर इसके ऊपर करेगा तो ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो जाएगा। सही होगी बात, तो आप लोगों के जहन में अगर ये हो रहा है ऊपर वाला बॉन्ड जा रहा था ऊपर वाले की बात कर लेते हैं, वैसे सारे के सारे वो इक्वल तरह के हैं, जिसके ऊपर मर्जी एक ऊपर अटैक आप करवा दो, तो से अगर वो इसके ऊपर अटैक करता है तो ये बॉन्ड इधर अंदर शिफ्ट हो जाएगा। सही होगी बात, और जैसे ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड यहाँ से रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो रिजल्ट प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा ये आ जाएगा NuH, क्या आ जाएगा NuH आ जाएगा।
ये इतनी चीज टूट के यहाँ से लग हो जाएगी ना, और ये कन्वर्ट हो जाएगा NaOH में, और उसके बाद बाकी जो हमारे पास बन जाएंगे, अब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी है तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा जी, डबल बॉन्ड आ जाएगा। आप यहाँ बात कर लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, उसके बाद ये आ जाएगा हाइड्रोजन, और उसके बाद एक्स ट्री पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल SN1 के साथ सेम है। SN1 में आपने ये कहा था कि प्राइमरी अल्काइली लाइन इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे भी हमने बात कर लेनी है कि यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व होगा। मैं इसको लिख भी देता हूँ, आपने यहाँ पे SN1 में बात की थी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पे भी नंबर एक आप करोगे इसके अंदर इन्वॉल्व होगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्या इन्वॉल्व होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। उसके बाद नंबर दो आपने कहना है ये था सिंगल स्टेप मैकानिज्म, तो ये भी सिंगल स्टेप होगा, एक वक्त में सारा काम हो जाएगा। उसके बाद नंबर तीन आपने ये कहा था उसके बारे में, इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल प्लस अल्काइल हैलाइड दोनों इन्वॉल्व होंगे, तो यहाँ पे भी क्या होंगे, दोनों इन्वॉल्व होंगे, क्या होगा, ये दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। और उसके बाद आपने ये किया है कि इसकी जो रेट होगी या इसकी काइनेटिक्स जो होगी, ये क्या होगी, इसकी काइनेटिक्स में जब आपने जाना है तो काइनेटिक्स में आप ये करोगे, ये होगा सेकंड ऑर्डर, इसकी काइनेटिक्स कौन सी होगी, सेकंड ऑर्डर होगी, सही होगी बात। तो ये भी सारे के सारे स्टेप उसके सेम ही यहाँ पे आएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं E1 रिएक्शंस की, तो E1 रिएक्शंस भी उस जैसे ही है, यहाँ पे क्या होगा, अब बात करने लगे हैं E1 रिएक्शन की। E1 जस्ट लाइक SN1 आपने क्या कहा था, वो होता है डबल स्टेप, और उसमें कौन सा इन्वॉल्व था, उसमें इन्वॉल्व था टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे इन्वॉल्व था, तो यहाँ पे बिल्कुल यही काम होगा। ये आप फर्ज कर लो कार्बन है, ये यहाँ पे आ जाएगा CA3, यहाँ पे आ जाएगा CA3, यहाँ पे आ जाएगा CA3, यहाँ पे आ जाएगा X, क्या यहाँ पे आ जाएगा, X आ जाएगा। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में आपने क्या कहा था कि उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, तो क्या काम करेगा, अपने आप को आयोनाइज करेगा, आयोनाइज करने के बाद क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा जी CH3 में, इसके बाद ये बना देगा CH3, इसके बाद ये बना देगा CH3, इसके बाद एक्स के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये सारे का सारा बॉन्ड यहाँ से टूटेगा ना, ये सारे का सारा बॉन्ड टूटेगा, एक्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, इस फॉर्म में आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर कार्बन के ऊपर आ जाएगा चार्ज पॉजिटिव, कौन सी यहाँ पे चार्ज आ गया, इसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब उसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये काम होगा कि अगर मैं उसी स्पीशी को दोबारा लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा CH3, इधर एक H को मैं ओपन कर लेता हूँ, सॉरी CH3 को ओपन कर लेता हूँ, ठीक होगी बात, ये इसका तीसरा आ गया CH3, और यहाँ पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, कौन सा जहाँ पे चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे लेके आते हो न्यूक्लियोफाइल को, तो ये आ गया है जी न्यूक्लियोफाइल दैट कैरीज नेगेटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा एट दिस हाइड्रोजन, ये बॉन्ड टूट के इन दोनों के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन टू कार्बन आ जाएगा बॉन्ड डबल, तो इसके बाद प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट कुछ यूं बनेगा कि ये यहाँ पे आ जाएगा कार्बन, ये आ जाएगा कार्बन, आगे इसके H2, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ठीक होगी बात, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। उसके बाद ये आ जाएगा CH3, ये भी आ जाएगा यहाँ पे CH3, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी NuH, क्या आ जाएगा, NuH आ जाएगा। जरा आप इसको देखें SN1 E1 को, E1 सेम चलता उसकी तरह का, कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाला होता है इन्वॉल्व, कौन कौन सा हो सकता है,
तो नंबर एक आप बात करो कि यहाँ पे जो इन्वॉल्व होगा वो होगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। क्या इन्वॉल्व होगा? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। उसके बाद इसका आपने कर किया था कि ये क्या होगा, डबल स्टेप जस्ट लाइक SN1। ये क्या होगा? डबल स्टेप मैकेनिज्म होगा। इसके बाद नंबर तीन, जब आपने काइनेटिक्स इसकी बात करनी है तो काइनेटिक्स में आप ये कर दोगे, इसकी काइनेटिक्स जो होगी वो होगी फर्स्ट ऑर्डर। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म में कार्बोकैटाइन बन रहा है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या बन रहा है? कार्बोकैटाइन बन रहा है, जिसमें ओनली आपके पास क्या है, अल्काइल हैलाइड है। तो ये क्या होगा? ये होगा जी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। अब उसके बाद नंबर चार आपने ये कर देना है कि यहाँ पे होती है कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन। क्या यहाँ पे होती है? यहाँ पे होती है कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होती है। और उसके बाद दोनों में क्या होगा, अगर आप इन दोनों की बात करते हो तो दोनों में किस चीज ने बनना है? अल्कीन्स ने। दोनों में फॉर्मेशन किसकी होनी है? इन तमाम रिएक्शन की जब बात करते हैं, इन्होंने भी अल्कीन को बनाना है, और उसके बाद इनकी बात करते हैं, फॉर्मेशन करेंगे अल्कीन की, बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद, सही होगी बात। और यहाँ तक तो हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन था। इसके बाद जो नेक्स्ट आ गया है, उसमें आपके ना एक बुक के ऊपर टेबल दिया हुआ है, वो टेबल SN रिएक्शन को शो कर रहा है, अपने अच्छी तरह से करना है, सही होगी बात। ये हमारा आज का काम मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम अपने फर्दर एक दो रिएक्शन रह गए वो करेंगे, और उसके बाद चले जाएंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स की जानिब। अल्लाह हाफिज़।